नमस्ते भारत, देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से है जहां दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में कुछ दुकानों में आग लगने की जानकारी मिल रही है। तकिया वाली मस्जिद के पास दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सुबह 4:41 पर यहां आग लगने की सूचना मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभिषेक, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, अभी की जो स्थिति अगर हम बताएं तो वो ये है कि अभी आग बुझाने का काम जारी है। ये घटना सुबह 4:41 की बताई जा रही है और फायर विभाग के जो 19 गाड़ियां हैं वो अभी आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। ये तकिए वाली मस्जिद के पास पुल बंगश मेट्रो स्टेशन है, वहीं उसके नजदीक में ही ये दुकानें हैं और ये कंजेस्टेड इलाका है, पुरानी दिल्ली के इलाके में आता है और इसी वजह से आग बुझाने के काम में थोड़ी देरी भी लगी है। फिलहाल फायर विभाग ने इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी हो। दुकानों में आग है और जो माल दुकानों में होगा उसको नुकसान जरूर पहुंचा है और जल्द ही इस आग पर काबू पाने की कही जा रही है। क्या आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और कब तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा? देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पर फायर विभाग का ये मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी आग बुझाने के काम पर जोर दिया जा रहा है और विभाग का यह कहना है कि आग बुझाने में, पूरी तरीके से आग बुझाने में अभी कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। साथ ही साथ एक और आपको जानकारी यहां देना चाहूंगा कि दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया में भी आज सुबह लगभग 4:30 और 5 के बीच की घटना है जिसमें एक और आग की घटना हुई थी। एक फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की फैक्ट्री में आग लगी थी। उसमें माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से 6 फायर कर्मी भी घायल हुए हैं जिन्हें बीएल कप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे इस पूरे मामले में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।